यूपी पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला बीते दिनों से चर्चा में बना हुआ है। 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई इस परीक्षा को लाखों अभ्यर्थियों ने दिया, लेकिन इस परीक्षा के खत्म होते होते ये दावा सामने आया कि भर्ती के पेपर लीक हुए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों में जमकर आक्रोश देखा गया, लेकिन भर्ती बोर्ड इसे किसी शरारती तत्व का काम बताता रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों का जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी प्रशासन के खिलाफ देखने को मिला। इस बीच अब अभ्यर्थियों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। यूपी पुलिस की डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया है कि बोर्ड ने लोगों से पेपर लीक को लेकर जो सबूत मांगे थे उसको लेकर उन्हें बोर्ड के पास कई सारे मेल्स आए हैं। रेणुका मिश्रा की माने तो सारे मेल्स को इकट्ठा करते हुए उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा रही है और अलग अलग एंगल से परीक्षण भी किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक व्यक्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशन आए हैं मेल्स, उसकी काउंटिंग सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे कोई ज्ञापन दिया था तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। तो कहाँ ये विवाद कहाँ है मैम? पेपर लीक की मैम, पेपर लीक वाले मामले पे जो इतना बवाल है, उसी के लिए तो मेल मंगवाया है हम लोगों ने। जी जी मैम, मेल आ गए हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जैसे परीक्षण हो जाए। बता दें कि पुलिस भर्ती में पेपर लीक मामले को अभ्यर्थियों को नेताओं का भी साथ मिलने लगा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया था, इसके बाद पल्लवी पटेल अभ्यर्थियों से मिलने इको गार्डन पहुंची। वहीं इसके बाद कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को अलग अलग मंचों से उठा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थियों को कब तक न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।